सरकार की स्वच्छता मिशन अभियान की पोल खोल रहे दिल्ली के बदहाल पार्क। एक तरफ तो सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर की कॉलोनियों में बने पार्कों में गंदगी बेशुमार है। गंदगी के कारण यहां के निवासी परेशान हैं। वैसे तो सरकार की तरफ से सभी कॉलोनियों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन इन पार्कों में फैली गंदगी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यह तस्वीर है दिल्ली के शिव विहार इलाके में स्थित दिल्ली नगर निगम के पार्क की, जहाँ गंदगी की भरमार है। यहाँ पर सफाई नाम की चीज ही नहीं है। वहीं बात करें एमसीडी की, तो दिल्ली में साफ सफाई का जिम्मा भी एमसीडी के पास है और यह पार्क भी एमसीडी का ही है, लेकिन यहाँ पर पार्कों की सफाई नहीं होती, लोग इस पार्क में आना भी नहीं चाहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क का हाल तभी सही होता है जब किसी बड़े नेता को यहाँ पर आना होता है और भाषण देना होता है या किसी बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जाना होता है, तभी साफ सफाई हो पाती है, उससे पहले नहीं। बाद में फिर स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। इलाके में अगर बात करें पार्कों की, तो यह शिव विहार इलाके का सबसे बड़ा पार्क है, जहां पर गंदगी की भरमार भी सबसे ज्यादा है। इस गंदगी की वजह से यहां पर कोई बैठने उठने भी नहीं आता और ना ही यहां पे बच्चे खेलने आते हैं। ये गंदगी अब उस यूं बोलो कि यहां पर गंदगी रही कब नहीं, हमेशा यहां गंदगी रहती। हाँ, तब हमारे यहां पर कोई नेता आते, जैसे आपके योगी जी आए थे यहां पर, तब यहां पर पूरा ये मानोगे नहीं आप, इसको वीआईपी की तरह फैला दिया था। और जब गए थे नहीं, इतनी गंदगी छोड़ के गए थे, आप खुद आप देख सकते हो कि क्या हाल बना रहा है। पर पार्क इतना अच्छा था ना, आपको क्या बताऊँ। यहाँ बैठने के लिए ना घर से लोग आते थे, मतलब फैमिली आती थी और खाट बिछा के, मतलब चाय पानी अपना बैठ के। आज आप खुद देख खड़े हो गए कि हम बात नहीं कर सकते, इतना गंदा। अगर कल को हम अगर हमारे रिश्तेदार भी आए तो घर के सामने पार्क में बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है कि घर के सामने। लेकिन हम क्या दिखाए चीज़ में कि हमारे इधर कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं है हमारा। हाँ, बस योगी जो भी आते हैं हमारे यहाँ के निगम पार्षद है, क्या नाम है इनका जी, वो भी आते हैं, देखते हैं। हाँ, गर्दन तो तुम्हें पता है, बड़े बड़े बोले और काम बिल्कुल छोटे से, वही वाली बात है। सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं। खेलेंगे जब अपने इधर ही गंद फैला हुआ, तो बच्चे तो साफ जगह में खेलेंगे ना। आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर गंदगी कितनी है, तो कौन जाएगा। बीमारी आप पता, हाथ किसी को छू नहीं सकते, इतनी गंदी बीमारी चल रही है उस एरिया में। हम पार्क में कैसे सुख से बैठ सकते हैं, गटर में पैर रख दिए हैं, इतनी गंदे। और गायों का डेली आया जाना जाना, ये देखो कितना गोबर ही गोबर फैला पड़ा हर जगह।